स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, विश्व क्वांटम दिवस पर किसका स्मरण किया जाता है? ए नील्स बोहर, बी मैक्स प्लैंक, सी वन हाइजेनबर्ग, डी एल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर बी मैक्स प्लैंक। एक्सप्लेनेशन, 14 अप्रैल 2024 को भारत ने विश्व क्वांटम दिवस मनाया, जो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और सराहना बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल है। विश्व क्वांटम दिवस क्वांटम सिद्धांत के अग्रणी जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने प्रकाश और ऊर्जा की क्वांटम प्रकृति को समझने के लिए आधार तैयार किया था। क्वांटम यांत्रिकी वह विज्ञान है जो परमाणुओं और कणों के व्यवहार को उजागर करता है, जो हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अनुराग कुमार, बी आदेश कुमार पांडे, सी नमन ओझा, डी अभिषेक सिन्हा। आंसर ए अनुराग कुमार। एक्सप्लेनेशन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी द्वारा जारी एक आदेश के तहत अनुराग कुमार आईपीएस को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग की नियुक्ति 5 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए यानी 24 फरवरी 2027 तक की गई है। अगला प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास दसलेक का आयोजन भारत और किस देश की सेना बीच किया जा रहा है? ए मंगोलिया, बी ब्राजील, सी उज्बेकिस्तान, डी जर्मनी। आंसर सी उज्बेकिस्तान। एक्सप्लेनेशन, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दसलेक के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टमेज में किया जा रहा है। ये भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसके पिछले संस्करण का आयोजन साल 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। अगला प्रश्न, आईएमएफ के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी विकास अनुमान क्या है? ए 6.2%, बी 6.4%, सी 6.5%, डी 6.8%। आंसर डी 6.8%। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 16 अप्रैल 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया, जो इसके पिछले पूर्वानुमान 6.5% से अधिक है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? ए मुस्कान सिंह, बी शैलजा सिन्हा, सी दीपिका कुमारी, डी शीतल देवी। आंसर डी शीतल देवी। एक्सप्लेनेशन, एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वहीं हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता। शीतल को इस साल की शुरुआत में हांगजो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।